तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छा ही होंगे। तो फ्रेंड, आज हम कुछ इस तरीके का फुल HD क्वालिटी में और सीवी फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कितना झकास तरीके से और कितना मस्त तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। आप लोग यहाँ पे जूम कर रहा हूँ तो आप लोग देख ही सकते हो कितना मस्त तरीके से, थोड़ा सा भी फटने वाला नहीं और पूरा फुल HD क्वालिटी में। और फ्रेंड, ये मेरा फोटो आप लोग देख सकते हो, कुछ इसी प्रकार से मेरा फोटो है ओरिजिनल। और फ्रेंड, आप लोगों को एडिटिंग करके मैं उस तरीके का बनाया हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कितना मस्त तरीके से मैंने एडिटिंग किया और पूरा फुल HD क्वालिटी में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग करना है, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग देख सकते हो एक बार और फोटो। तो यहाँ से मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। तो चलिए यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसके बाद आप लोग को लाइव प्रूफ, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को प्रोसेसेस बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इसी प्रकार से आ जाना है और उसके बाद यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि थ्री डॉट पर क्लिक करना है और फ्रेंड थ्री डॉट पर क्लिक करके एड फोटो पर क्लिक करना है और अपने फोटो को यहाँ से ले लेना है। फ्रेंड, अपने फोटो को लेने के बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से ऑल फोटो पर आप लोग को क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं ऑल फोटो पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से अपने फोटो को ले लेता हूँ। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ इसी प्रकार से मेरा फोटो रहेगा। तो यहाँ से मैं लाइट पे क्लिक कर देता हूँ और फ्रेंड लाइट पे क्लिक करते ही कुछ इस एक्सपोजर को 30% तक रखता हूँ और यहाँ से कंट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करूँगा और हाईलाइट को आप लोग को माइनस में रखना है फ्रेंड, और शेडो को थोड़ा सा आप लोग को प्लस ही रखना है, और यहाँ से वाइट को भी आप लोग को माइनस रखना है फ्रेंड, और यहाँ से ब्लैक को भी हल्का सा आप लोग को माइनस रखना है। कलर पे आएंगे मिक्स पे, सॉरी फ्रेंड, यहाँ से क्या करना है कि वाइब्रेंस को आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना है और उसके बाद यहाँ से मिक्स पे आ जाना है। फ्रेंड, मिक्स पे आने के बाद आप लोग को क्या करना है कि ऑरेंज वाले को आप लोगों को सिलेक्ट करना है, सेचुरेशन को माइनस और लुमिनेंस को फुल करना है, और यहाँ से रेड वाले को भी आप लोगों को सेचुरेशन माइनस और लुमिनेंस को फुल कर देना है। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो कि मेरा फेस कैसे गोरा हो चुका है एक ही क्लिक में। तो आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा तो अच्छे तरीके से सीवी एडिटिंग करना सिखाऊंगा और कलर कैसे मैच किए थे सब कुछ मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। बस आप लोग को वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड, और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करना है फ्रेंड। और उसके बाद यहाँ से डन करके और यहाँ से आप लोग को वाइब्रेंस को हल्का सा आप लोग को माइनस में कर देना है। तो फ्रेंड चलिए कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप लोग को टेक्चर को भी आप लोग को क्लियरिटी और टेक्चर को भी हल्का हल्का आप लोग को बढ़ा लेना है, और डिनेंस को भी आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को माइनस में रखना है फ्रेंड। और उसके बाद यहाँ से आप लोग क्या करना है कि वाइब्रेंस को भी आप लोग को हल्का सा माइनस रखना है, और यहाँ से आप लोग को सरपैडी को भी आप लोग को थोड़ा सा प्लस करना है, और डिटेल को फुल और मार्क्सिंग को हल्का सा इंक्रीज करके, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मेरा फोटो बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड, इसको सेव करने के लिए ऊपर शेयर वाले बटन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड, इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद इस फोटो को सेव कर लेते हैं। फाइनली फ्रेंड, जब तक सेव नहीं होता है आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और यहाँ से आप लोग को ओके कर देना है। फ्रेंड, ओके करने के बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को स्केचबुक एप्लीकेशन को यहाँ से आप लोग को स्नैपशीट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आप लोग को लाइव प्रूफ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप लोग जरूर जरूर सपोर्ट कीजिए मेरे को। और यहाँ से टूल्स पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, टूल्स पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, तो आप लोग को सिलेक्टिव का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड, इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा है, तो इसको व्हाइट करने के लिए अच्छे तरीके से मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा आप लोग को जूम इन करना है और यहाँ से ब्राइटनेस को हाई करेंगे और यहाँ से कंट्रास्ट को और सैचुरेशन को आप लोग को थोड़ा थोड़ा माइनस करेंगे तो आपका फेस गोरा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो जहाँ जहाँ आप लोग का ब्लैक है कुछ इसी प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ, सेम टू सेम आप लोग को इसी प्रकार से करना है, ब्राइटनेस को हाई करना है, सैचुरेशन को माइनस करना है। ऐसे करने से आप लोग देख सकते हो कि कुछ इसी प्रकार से आपका फोटो गोरा हो रहा है। तो फ्रेंड, थोड़ा सा आप लोग को अच्छे तरीके से करना है और जितना टाइम दीजिएगा अपने फोटो में उतना अच्छे तरीके से आप लोग को एडिटिंग करना आएगा। तो फ्रेंड, इतना हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। और उसके बाद इस फोटो को सेव करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ऊपर शेयर वाला बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। फ्रेंड, सेव करने के बाद अपने स्क्रीन पर चलेंगे और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ से फेस को स्मूथ करने के लिए और यहाँ से वाइट करने के लिए। तो फ्रेंड चलिए स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, तो आप लोग को इस वाले ब्रश को आप लोग को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्मूथ वाले ब्रश को आप लोग को लेके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेटिंग आप लोग को
कुछ इसी प्रकार से आप लोग को रखना है। और यहाँ पे साइज अपने हिसाब से और फॉलो को 3% तक और स्ट्रेंजर को आप लोग को 3 या 4 तक आप लोग को रखना ही रखना है फ्रेंड, इतना आप लोग को सेटिंग करना है। अगर आप लोग को आप देख सकते हैं थोड़ा सा अपने फोटो को जूम करेंगे और उसके बाद इस कुछ इस तरीके से अपने हल्को हाथों से फ्रेंड आप लोग को स्मूथ करना है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो किसी तरीके से मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसे मैं कर रहा हूँ ना आप लोग को सेम टू सेम आप लोग को उसी प्रकार से अपने हल्को हाथों से आप लोग को ड्रॉ करना है। फ्रेंड जितना टाइम लीजिएगा अपना फोटो में उतना ही अच्छे तरीके से आपका फोटो बन के तैयार होगा। जैसे मैं कर रहा हूँ फ्रेंड आप लोग देख सकते हो कुछ इसी प्रकार से अच्छे तरीके से आपको भी करना है, मेरे जैसे जल्दबाजी में नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि मैं एडिटिंग तो कर लेता हूँ। अगर आप लोग सीखते हैं तो आप लोग को आराम से तो करना ही करना है और अपने फोटो में टाइम तो देना ही होगा फ्रेंड, कम से कम तो एक फोटो में 1 घंटा तो देना ही होगा फ्रेंड। आप लोग देख सकते हो कुछ इसी प्रकार से आप लोग को अच्छे तरीके से एडिटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आप लोग को उसी प्रकार से अपने नोज को भी आप लोग को अच्छे तरीके से करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों की ओर भी अच्छे तरीके से आप लोग को करना ही करना है और कुछ इसी प्रकार से करके और अपने फोटो को अच्छे से अच्छे एडिटिंग आप लोग कर सकते हो। तो फ्रेंड आप लोग को साइज को छोटा या बड़ा करके और जितना अच्छे तरीके से आप लोग को जितना हो सके आप लोग जूम करके अपने फोटो को और यहाँ से अच्छे तरीके से साइज को अपने हिसाब से मिलाकर अच्छे तरीके से आप लोग स्मूथ कीजिएगा तो आपका फोटो अच्छे तरीके से स्मूथ होगा। तो फ्रेंड इतना तक हो जाने के बाद आप लोग को पता चला है कि आप लोग चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ्रेंड जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का एडिटिंग इसी चैनल पर मिलता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने हाथों पर भी आप लोगों को करना ही करना है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो कितना मस्त तरीके से मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है आप लोग को भी। और यहाँ तक आ गए तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा भी और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है कि अच्छे तरीके से एडिटिंग मेरे को नहीं आता है, तो फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा तो आप लोगों को एडिटिंग करना आ ही जाएगा। तो फ्रेंड मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप लोग को सब सामने आप लोग को जो भी मैं करता हूँ फ्रेंड आप लोग को रियल करके बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना होगा और मैं वीडियो में क्या करने वाला हूँ सब कुछ मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ कि सभी एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ फ्रेंड। तो यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग को वीडियो को फुल वॉच करना है, छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से एडिटिंग नहीं कर पाएगा, जो मैं ट्रिक बताया हूँ फ्रेंड आप लोगों से फॉलो नहीं होगा। तो फ्रेंड आप लोग जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोग अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से आप लोग फॉलो करना है। तो फ्रेंड अपने यहाँ से अपने लिप्स पे भी आप लोग को अच्छे तरीके से कलर कर देना है, सॉरी फ्रेंड यहाँ से स्मूथ कर लेना है। फ्रेंड इस पे करने के बाद और अपने यहाँ पे गर्दन पे भी अच्छे तरीके से आप लोग को स्मूथ करना है। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया फ्रेंड क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप लोग को अच्छे तरीके से करना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आप लोग को उसी प्रकार से करना है। लेकिन आप लोग को जितना आराम से कीजिएगा फ्रेंड उतना ही अच्छे तरीके से आपका फोटो एडिटिंग होगा। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद आप लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा वेट करना है और जितना अच्छे तरीके से आप लोग को देखकर अच्छे तरीके से जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आप लोग को फोटो में लगाना ही लगाना है। अगर आप लोग को बेस्ट एडिटर बनना है तो आप लोग को टाइम तो देना ही होगा। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद अपने हैंड पर भी अच्छे तरीके से आप लोग को करना ही करना है। तो आप लोग देख सकते हो कितना मस्त तरीके से मैं आप ही कर रहा हूँ, आपको भी कुछ इसी प्रकार से करना ही करना है। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद आप लोग को इसी हैंड पे भी आप लोग को करना है और उसके बाद यहाँ से अपने यहाँ से इस फोटो को सेव कर लेना है। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद आप लोग को अपने हेयर पे भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है फ्रेंड, और ये वाला ब्रश को आप लोग को सेलेक्ट करेंगे और कुछ इसी प्रकार से आप लोग को हेयर को भी आप लोग को अच्छे तरीके से देख सकते हो और सेटिंग को आप लोग को बढ़ाकर और यहाँ से आप लोग को देख सकते हो कुछ इसी प्रकार से आप लोग को करना ही करना है फ्रेंड। और इसके बाद आप लोग को क्या करना है जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आप लोग को उसी प्रकार से अपने हेयर को भी एडिटिंग करना है, तभी अच्छा तो आपने मतलब आपका फोटो अच्छा ही लगेगा। तो फ्रेंड जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आप लोग को करना ही करना है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड कुछ इस प्रकार से हो जाने के बाद आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद आप लोग जितना बेस्ट तरीके से आप लोग कीजिएगा उतना ही अच्छे तरीके से आपका फोटो एडिटिंग होने वाला है। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना मस्त तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा। और इसको सेव करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा, तो फ्रेंड इस पर क्लिक करके उसके अपने फोटो को सेव करना है। फ्रेंड सेव हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपने स्क्रीन पे चलना है और स्क्रीन पे आ जाने के बाद फ्रेंड आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों को पिक्सेट एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए फ्रेंड मैं पिक्सेट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, सब कुछ मैं आप लोग को लाइव प्रूफ बताऊँगा क्या क्या करना है और जो भी मैं किया हूँ सब कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ, जैसे मैं आप लोगों को थंबनेल में दिखाया हूँ और उसी प्रकार से मैं आपको बताऊँगा।
तो यहाँ से आप लोग को इफेक्ट पर क्लिक करके HDR1 पे आप लोग को क्लिक कर देना है और मल्टीपल पर क्लिक कर देना है और अपने फेस पे कुछ इस प्रकार से आप लोग को रिमूव करना है। फिर आप लोग देख सकते हो कि मेरे कपड़े में किस तरीके से चमक आ चुका है। तो अच्छे तरीके से आप लोग को भी इसी प्रकार से अपने चेहरे से यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा जो है उसको रिमूव करना है। देखिए कैसे गोरा हो रहा है मेरा फेस। तो आप लोग को भी कुछ इसी प्रकार से करिएगा तो आपका फोटो एडिटिंग अच्छा तरीके से होने वाला है। तो आप लोगों को अगर फोटो एडिटिंग करवाना है तो आप लोग मेरे बायो में लिंक है, सॉरी फ्रेंड यहाँ से नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, पूरा लाइव प्रूफ आपको बताऊंगा। और आपको फोटो एडिटिंग मेरे से करवाना है तो आप लोग कॉन्टेक्ट मेरे से कर सकते हो, पेड एडिटिंग में करता हूँ, आप लोग को भी फोटो एडिटिंग में कर दूंगा पेड करके। तो फ्रेंड इसके बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को हेयर वाले ऑप्शन पे आना है और उसके बाद यहाँ से आप लोग को इस अपने हेयर को आप लोग को रिमूव करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और उसके बाद यहाँ से कवर पे आएंगे और यहाँ पे रेड को सिलेक्ट करके अपने लिप्स पे कुछ इसी प्रकार से आप लोग को ड्रॉ करना है। फ्रेंड इस पर क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ से सेटिंग को आप लोग को छेड़छाड़ करके आप लोग को सिचुएशन के हिसाब से आप लोग को रख लेना है। फ्रेंड इस इतना करने के बाद आप लोग को डन कर देना है। फ्रेंड डन हो जाने के बाद फिर से आपको डन करना है और उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि इस फोटो को सेव करेंगे। सेव करने के लिए इस ड्रॉ वाले टूल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप लोग को सेव पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड सेव पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से Lightroom एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए फ्रेंड मैं Lightroom एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ पूरा हाई क्वालिटी HD में एडिटिंग करने के लिए। पूरा आप लोगों को फ्रेंड मैं हाई क्वालिटी में एडिटिंग करना सिखाऊंगा बिना रेमनी का यूज करके। और यहाँ से एड फोटो पे क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके और इस फोटो को आप लोगों को ले लेना है। तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोगों को फोटो को लेकर दिखाता हूँ पूरा मस्त तरीके से। और यहाँ से ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे फ्रेंड और उसके बाद यहाँ से अपने फोटो को ले लेंगे। फ्रेंड फोटो को लेते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आप लोगों को लाइट पे क्लिक करेंगे, कंट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करेंगे और हाईलाइट को आप लोग थोड़ा सा माइनस करेंगे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से कर लेना है। और यहाँ शेडो को भी हल्का आप लोग को माइनस, व्हाइट को भी आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को प्लस रखना है, माइनस ही रखना है फ्रेंड। और ब्लैक को आप लोग को हल्का सा आप लोग को माइनस रखना है। कलर पे आएंगे, मिक्स पे आ जाने के बाद आप लोग को रेड वाले का सेचुरेशन आप लोग को फुल करना है। इसका सेचुरेशन आप लोग को हल्का सा आप लोग को मतलब माइनस ही रखना है फ्रेंड। और जैसे लेमिनेंस को फुल कर देना है और उसके बाद येलो वालो और सबका सेचुरेशन आप लोग को फुल करना है फ्रेंड। आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग को सीवी एडिटिंग करना है तो आप लोग को सबका सेचुरेशन फुल ही करना होगा। और यहाँ से इसका भी सेचुरेशन आप लोग को फुल करके लेमिनेंस को आप लोग को फुल कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड आप लोग देख सकते हो पूरा फुल HD क्वालिटी में मेरा फोटो बन के तैयार हो चुके। तो इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर वाले बटन पर क्लिक करके इस फोटो को सेव करेंगे। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो पूरा फुल HD क्वालिटी में मेरा फोटो बन के तैयार हो चुका है, जूम करने पे भी नहीं फटा है। तो सो गए, चलिए अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।